नमस्ते दोस्तों, सभी को नया साल मुबारक हो। और आज हम नया साल कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए और उसमें से नई जिंदगी कैसे हम पा सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, हमेशा ये देखा गया है कि नया साल आता है, नया साल जाता है और लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है। नया साल का रियल मतलब यह है कि हमारी जिंदगी नई आनी चाहिए, उसमें से नई जिंदगी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, सबके लिए कुछ नयापन आना चाहिए। और नयापन आने के लिए नया कब आता है कि जब पुराना हम बदली करते हैं। अब देखिए, कोरोना आ गया, कोरोना के पहले जो दुनिया चल रही थी और कोरोना के बाद दुनिया चल रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले कोई वर्क फ्रॉम होम वो एक कॉमन, एक बहुत कम लोग करते थे। आज के तारीख में बड़ी बड़ी कंपनी और मेजोरिटी लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम। मैंने देखा है बहुत लोगों को मैं मिलता हूं तो बोलते हैं हमने तो पिछले 6 महीने से 8 महीने से पैंट नहीं पहना है, खाली बरमूडा पहनते हैं। और अगर हमको वीडियो पे जाना है तो हम लोग शर्ट पैंट, अपना शर्ट और सूट पहन लेते हैं। दोस्तों, कभी किसने सोचा नहीं होगा ना। दोस्तों, ये बदलाव कुदरती आया हुआ है, लेकिन आपने सुना हो डेस्टिनी नाम की एक चीज होती है, भाग्य, तकदीर जिसको बोलते हैं। और ये तकदीर बदली करना भगवान ने हमारे हाथ में दिया है दोस्तों। और तकदीर बदली करने के लिए हमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें हमारी सोच बदली करनी पड़ेगी। और मेजोरिटीली जो सोच बदली करनी है हमारे बारे में, लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, हमारी इनकम के बारे में, लोगों को हम कितनी खुशियां दे सकते हैं उसके बारे में। और दोस्तों, बहुत लोग को लगता है, देखिए मैंने हमेशा कहा है, हमेशा मैं बोलता हूं, पैसा खुदा नहीं है, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन खुदा से जरा भी कम नहीं। खुदा जो काम करवा सकते हैं ऑलमोस्ट पैसा वो काम करवा सकते हैं। इसके लिए उसको लक्ष्मी बोला हुआ है, उसको देवी बोला गया है, उसमें इतनी ताकत है। और इस साल जिन जिन लोगों को नया साल और नई लाइफ सेलिब्रेट करनी है, उसके लिए मैं स्पेशल सब्जेक्ट लेके आया हूं। दोस्तों, एक बात हमेशा समझ लीजिए, कभी भी कोई भी कलाकृति बनती है, कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, कोई भी सक्सेस आता है, तो पाने वाले आदमी ने सबसे पहले वो सोचा होता है। ये हमेशा की हिस्ट्री है। एक शिल्प बनाने के पहले शिल्पकार ये सोचता है कि मुझे काय का शिल्प बनाना है, मार्बल में से बनाना है, ग्रेनाइट में से बनाना है, और मार्बल में से अगर बनाना है तो कौन से, किसका स्टेच्यू बनाना है, कौन से भगवान का बनाना है, कौन से इंसान का बनाना है, तो पहले हमेशा स्टेच्यू दिमाग में बनता है। उसके बाद वो शिल्पकार उसको वो हिसाब से बनाता है, और बनाने के बाद हमेशा दुनिया को वो मिलता है कि वाह, अद्भुत बनाया है। सो अद्भुत है वो हमेशा पहले दिमाग में बनता है। सो दोस्तों, मैं इतनी ही सिंपल बात करना चाहता हूं, आपको जितने पैसे इस साल कमाने हैं, आपको नई जिंदगी लाने के लिए, समझो आपको बहुत आनंद करना है, आप सोचिए आपको कितने पैसे चाहिए। आपको अपने बीवी बच्चों को बहुत आनंद कराना है, कितने पैसे कमाने चाहिए। आपको अपने भाई बहन माता पिता को खूब आनंद करवाना है, कितने पैसे चाहिए। आपको अपने समाज में कुछ योगदान देना है, गौशाला के लिए कुछ काम करना है, गरीबों के लिए कुछ दान देना है। और अगर आपको बहुत लोग को खुश करना है, आप जो स्कूल में पढ़े हो वो स्कूल में कुछ आपको डोनेशन देना है, आपको कोई हॉस्पिटल में कुछ डोनेशन देना है, दोस्तों आप सोचिए आपको कितने पैसे की जरूरत है। मैं हमेशा जब पैसे कमाने की बात करता हूं तो वो पैसे कमाने की बात करता हूं जिसमें मैं भी आनंद करूं, मैं भी एंजॉय करूं।
मेरा परिवार एंजॉय करे, मेरी दुनिया एंजॉय करे, इवन मेरी कमाई पशु पक्षी प्राणी वनस्पति सबके लिए यूज हो जाए। दोस्तों आप सोच के देखो, अगर इतने लोगों का भला करना, इतने लोगों को मजा करवानी है तो हमें बहुत पैसे कमाने की जरूरत है। और दोस्तों मेरे पास बहुत लोग आए, पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास बहुत लोग आए पैसा कमाने के लिए। उनकी इच्छा थी, सबसे पहले उनकी कमाने की इच्छा थी, इसके लिए वो पेमेंट करके क्लास में आए। पहला क्राइटेरिया, जो आदमी को पक्का चाहिए ना वो हमेशा पेमेंट चुकाता है, मैंने हमेशा देखा है। सो जो लोग फीस भर के मेरे क्लास में आए वो पहला क्राइटेरिया उन्होंने क्रॉस किया कि मैं कुछ पाना चाहता हूं, उसके लिए मैं कुछ देना चाहता हूं। बोला जाता है कुछ पाने के लिए कुछ बोना जरूरी है, कुछ देना जरूरी है। पहले वो दुख देते, फिर पाने की उम्मीद हो गई, पाना है। दोस्तों आपको जो भी चीज पाना है ना, रास्ता दिखाने वाले तो अनेक लोग हैं। आपको कहीं भी जिंदगी में पहुंचना है, कोई भी प्लेस पे पहुंचना है, ट्रैवल एजेंट बहुत है, आपको जाके खाली टिकट खरीदना है। और दोस्तों आपने टिकट के पैसे दे दिए, आपने रिजर्वेशन करा लिया, आपका जर्नी एश्योर हो गया और कंफर्टेबल जर्नी एश्योर हो जाता है और आप आराम से उस जगह पहुंच जाते हो, भले आप जिंदगी में कभी नहीं गए हो। दोस्तों उतना ही सिंपल इस दुनिया में तकदीर बनाना है, भाग्य बनाना है। आपको खाली सोचना है कि मुझे इस साल इतना पैसा कमाना, अगले साल इतना पैसा कमाना है, मुझे कमाना है। दूसरा, जो आदमी कमा के दे सकता है उसको पास जाके मिली। और दोस्तों 20 साल से मैं काम कर रहा हूं, बहुत लोग आए, लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। मेरे कुछ कुछ स्टूडेंट की महीने की जो इनकम है आप इमेजिन नहीं करोगे, महीने की 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 10 लाख, लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं मंथली। मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं करता, कॉमन मैन की बात कर रहा हूं। और दोस्तों मुझे बहुत खुशी मिलती है, पहले फिजिकल डिस्टेंस लड़ता था, बहुत जगह पे जाके लोगों को मोटिवेट करना पड़ता था, रास्ता दिखाना पड़ता था। भगवान ने कुछ मुझे मौका दिया है कि मैं ऑनलाइन लोगों को मार्गदर्शन दे सकूं, कि मेरे पास जो भगवान ने काबिलियत दी है लोगों को रास्ता दिखाने की, मैं उनको रास्ता दिखाऊं और वो रास्ता पे वो चलेंगे। मैं गारंटी बोलता हूं, डेफिनेटली वो लोग जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑलरेडी लोगों ने कमाया हुआ है, ये इतिहास है हमारे पास। दोस्तों इसके लिए आपको पहला स्टेप पास करना है, पहले है सोचना, दूसरा स्टेप है करना, और तीसरा स्टेप है आप पहुंच जाओगे। अभी क्या करना, कैसे करना, ये रास्ता है। और कमाना सबको है, और जिसको पक्का कमाना है वो आदमी रियली टिकट खरीदता है, टिकट खरीदता है, सक्सेस की टिकट खरीदता है। और दोस्तों मैं आपके लिए 2 दिन का एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, मिरेकल मनी। मिरेकल मनी में कोई चमत्कार नहीं होना है, ये दिमाग का जो चमत्कार ऑलरेडी कुदरत ने आपके अंदर भरा हुआ है, मुझे मैं खाली उसका कचरा हटाऊंगा। बहुत लोग का कचरा हटाया हुआ मैंने, मजा आती है कि कचरा फटोफट हट जाता है। देखो अगर रोशनी लानी है तो थोड़ा तकलीफ है, लेकिन एक दफे दिया जलाया ना तुरंत अंधकार भाग जाता है। सो दोस्तों रोशनी अंदर आपके पास है, चमत्कार आपके अंदर भरे हुए, खाली आपको रास्ता चाहिए कि कौन से तरीके से, दरवाजा कहाँ है इसका। और दोस्तों ये मिरेकल मनी 28 और 29 नवंबर सुबह 9 से दोपहर को 12 बजे तक और शाम को 3 से 6 बजे तक 2 दिन का प्रोग्राम मैं लेके आ रहा हूं। आपको जितने पैसे कमाने हैं अच्छी तरह से एक्सपोनेंशियल आसानी से कैसे कमा सकते हैं। बहुत लोग को लगता पैसा कमाना बहुत कठिन है, नहीं बहुत आसान है, लेकिन जानना जरूरी है। नीति से कैसे कमाना, अच्छी तरह से कैसे कमाना, कम एफर्ट से कैसे कमाना। और दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आज तक मुझे क्या रोक रहा था, मेरी कौन सी सोच रोक रही थी। दोस्तों जिसको गारंटीड इस साल को सेलिब्रेट करना है न्यू ईयर न्यू लाइफ करके,
तुरंत रजिस्टर कीजिए, मेरे कलमनिक आपको पोस्टर मिल जाएगा, आपको यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।